पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए 2 कप के बराबर मैदा लिया है। और इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा खमीर यानी ईस्ट और 1 चाय का चम्मच नॉर्मल नमक जाएगा इसमें। और अभी इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके गूंदते जाएंगे। डो को सख्त नहीं बनाना, ये आटा नरम होना चाहिए जैसे कि रोटी के लिए होता है, हार्ड नहीं होना चाहिए, इसको नरम होना चाहिए। अभी इसको मुसलसल गूंदते जाएंगे। इसको मुसलसल 2 से 3 मिनट गूंदेंगे। जैसे ही आटा अच्छे से बर्तन से साफ हो जाए और हाथों पे भी ना चिपके ये, तो इट मीन्स ये तैयार है। इसको अभी किसी भी बर्तन में ढांक के तो गर्म जगह पे रख देंगे, चाहे तो आप इसको किसी भी ओवन में बगैर ओवन चलाए इसको रख दें, या फिर अगर गर्मी है तो बाहर ही इसको कवर करके तो रख दें। ये देखिए 1 घंटे के बाद ही इतना राइस हो गया था। अभी इसकी हवा को निकाल देंगे, दोबारा से इसको गूंदेंगे। थोड़ा सा सरफेस पे मैदा छिड़क लिए ताकि गूंदने में ज़रा आसानी रहे। अभी इसको दोबारा से गूंदेंगे ताकि इसकी हवा अच्छे से, जो इसमें एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो उसको जब खींचेंगे तो ये बिल्कुल खींचता चलाएगा। बहुत अच्छे से आपने इसको चारों तरफ से खींच के गूंद के तो फिर इसका पेड़ा दोबारा से बना लेना। ये डो तैयार है पिज़्ज़े के लिए और इसमें 2 दरमियाने साइज़ के पिज़्ज़े बन जाते हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।